अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बच्चन सिंह राणा के नेतृत्व में धर्मशाला में एसपी संतोष पटियाल से मिला। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन देकर एसपी कांगड़ा से ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की द्रेण पंचायत में शराब की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की गुहार लगाई। उन्होंने एसपी को बताया कि महासभा पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चला रही है। इसी के तहत द्रेण पंचायत में एक बैठक में लोगों ने बताया कि पंचायत में शराब की अवैध रूप से तस्करी और बिक्री हो रही है, जिसके चलते गांव की महिलाओं को शराबियों की फक्तियों तक सुनने को मिलती हैं, जिससे महिलाएं परेशान हैं। जिस पर एसपी कांगड़ा ने महासभा को आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द ही गांव में छापेमारी करके अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करेगी। ये द्रेणी पंचायत जो ज्वालामुखी में पड़ती है, वहाँ की प्रधान सरोज कुमारी, जिन्होंने जन समाधान के लिए जो आपके सामने मुद्दा आया था, वहाँ शराब घर घर में पीते हैं लोग और नशा करते हैं, जिससे समाज की महिलाओं को बहुत कठिनाई होती है और बच्चों को, तो उससे कई बार टोंटबाजी लोग कसते हैं, तरह तरह का व्यंग करते हैं, तो वहाँ की थोड़ी जो लाइफ थी वो काफ़ी दुर्लभ कर रखी है लोगों ने। उसके लिए हमने कहा था सभा में कि हम ज्ञापन देंगे, और आज मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ एसपी संतोष पटियाल जी के ऑफिस में पहुँचा, और इसका समस्या का निराकरण के लिए हमने जो आश्वासन दिया था उसके तहत हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, और संतोष पटियाल साहब ने कहा कि इसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, और इसी तरह आप अभियान पूरे प्रदेश में जारी रखें अपने कांगड़ा में, और जहाँ हमारी ज़रूरत हो, जहाँ हमारा सहयोग हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एन स्टार न्यूज़ के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।